नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांदा चुनाव आचार संहिता पर डीएम एसपी ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में प्रभावी है आदर्श आचार संहिता। जनपद के सभी मतदाताओं से अपील, निर्भीक होकर करें मतदान। भारत निर्वाचन आयोग की जारी लिस्ट में जनपद बांदा में 5वीं फेज पर होगा चुनाव। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया 20 मई को होंगे मतदान। 13,28,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसपी बांदा, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पहले से पुलिस ने की है 107 और 16 की कार्रवाई। सोशल मीडिया एवं भ्रामक खबरों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। बांदा के जिला कलेक्टरेट में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी किए निर्देश। आइए जानते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी बांदा ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ हीरामन यादव की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई, उसी के क्रम में जनपद बांदा में चुनाव 5वीं फेज में होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को लागू होगा, 20 मई को हमारे यहाँ मतदान होगा और 4 जून को पूरे देश की भांति हमारे यहाँ काउंट होगा। हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं जो मंडी है वही हमारा केंद्र बनेगा, वहीं से ईवीएम से डिस्पैच होंगी, वहीं पे रिसीव होंगी और वहीं पे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनेंगे उनको स्टोर करने के लिए। और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया भी हर चुनावी वर्ष की भांति मंडी में ही होगी। हमारे यहाँ कुल 1389 बूथ